तो आज हमारी सवारी निकली है। किसने मुझे चिल्ला के रुका है? क्या हेलो एमवीट्यूब में एमवीट्यूब अच्छा मतलब गाइस आई एम एट KTM Bhiwandi शोरूम। अब मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि उज्जैन में गाड़ी मेरी क्रैश हो गई थी, सो थोड़ा उसका काम कराने आया हूँ। और गाइस मेरे पीछे देख रहे हो KTM RC BS6 जो कि एकदम न्यू वेरिएंट में आ चुकी है। और पीछे ये BS6 है ना पीछे वाली, ओके तो अभी नई BS6 में अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस है जैसे अगर ये 125 है लेकिन हाँ पहले वाले जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते थे ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। अभी इसको ये लोग फुल्ली LED हेडलैम्प्स है। हाँ ओ वाओ यार ये 390S है इधर। दिस आर द DRLs। ये DRLs इंटीग्रेटेड इंडिकेटर मिल जाएगा इसी के अंदर। और ये है इंडिकेटर, एकदम सेक्सी लग रही है यार ये। दिस इज द मेजर चेंजेस। अच्छा सेकंड इज द TFT स्क्रीन। ओके एडवेंचर 250 में आता है ब्लैक एंड व्हाइट जो इसमें RC 200 में। अच्छा टैंक कैपेसिटी इसका इंक्रीज किया है। ऑलराइट जो था 9.5 था अभी इसमें 13.5। और ये कलरफुल नहीं है शायद से, 390 RC में आता रहेगा। आएगा। कर दो इसका ऑनेस्टली सेइंग KTM RC का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट ये जो RC 200 है और RC 390 अब तक तो लॉन्च हुई नहीं है। जब RC 390 लॉन्च होगी तो मैं उसके साथ राइड पे जरूर जाने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए RC 200 जो कि अभी मैं चलाने वाला हूँ। और इसकी सीट भी मतलब बहुत बढ़िया लग रही है। और या देखो इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा पता है कि इसके सस्पेंशन देखो ना क्या बढ़िया सस्पेंशन है इसके। सो अभी मैं इसको चला के देखता हूँ इसकी पावर एंड ऑल। ये क्या हो गया यार इसको? अच्छा पेट्रोल कम है क्या इसमें? ओके ऑलराइट तेरी ओ भाई साहब वंडरफुल यार वंडरफुल। जो 200 सेगमेंट का पावर है ना इसमें बहुत ही बढ़िया है। वैसे अभी 390 मैंने इतनी चलाई है तो थोड़ा पावर डिफरेंस तो लग ही रहा है मेरे को। एक बार हाईवे पे लेता हूँ। मजा आ रहा है, क्या ही पावर है यार गाड़ी में, यार बहुत ही बढ़िया पावर है गाड़ी में। 390 भी इससे भी बहुत पावरफुल हो सकती है। ऑनेस्टली बोलूं गाइस मैं इस गाड़ी के सस्पेंशन में फिदा हो गया यार। बहुत ही प्यारे सस्पेंशन से इस गाड़ी के। बाकी स्पीड तो है ही लाजवाब, नो डाउट RC है, पर सस्पेंशन तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। सब एक साथ और ओवरटेकिंग में भी बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। और इतना डर भी लग रहा नहीं है, और ड्यूअल चैनल ABS के कारण ब्रेक भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो ये है मेरा पुराना गार्ड, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा क्रैश हो गया है। और नया वाला कहाँ पे? एंड दिस इज माय न्यू गार्ड, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर दिख रहा है जो कि यहाँ पे लगने वाला है। और यहाँ पे पूरा गाड़ी का पूरा वाट लगा दिया है। अब लग रहा है ना मल्हार एकदम ऑसम विथ नो स्क्रैच। और ये मैंने एक्स्ट्रा मिरर्स भी बिठवा लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी थोड़े डैमेज हो गए थे। सो ऑलमोस्ट अभी सारा काम हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। सो अभी बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली, मतलब बड़े दिनों के बाद इतना हॉर्न बजा रहा है, तो बड़े दिनों के बाद दिल को तसल्ली मिल रही है कि इधर स्क्रैच नहीं है, स्क्रैच प्रूफ मलर हो गया है मेरा। और यहाँ पे अभी चेन लूपिंग चल रही है। स्पेशल थैंक्स टू KTM Bhiwandi, अगर आपको भी गाड़ी का सर्विस कराना है आसपास रहे तो आप जरूर आ सकते हो यहाँ पे। चलो भाई गाड़ी का काम तो हो गया, अब बहुत मज़ा आने वाला है नेक्स्ट राइड्स को, क्योंकि और भी कुछ नए नए धमाके आने वाले हैं वो नेक्स्ट मंथ आएंगे। और
तो गाड़ी का काम मतलब ऑलमोस्ट मैंने अभी करा लिया है। तो अभी मैं ना मेरे दोस्त सुशील के ऊपर एक छोटा सा प्रैंक करने वाला हूँ, वो अभी नहीं थोड़ी देर बाद होने वाला है। सो प्रैंक क्या है वो अभी आपको मालूम पड़ेगा क्योंकि अभी मैं बताऊंगा नहीं। सो हर्ष अच्छी तरीके से कर पाएगा ना, काम कर तू वहाँ पे बैठ और जब मैं यहाँ पे आऊंगा ना जो गाड़ी के भगना है और आगे जो पेट्रोल पंप है ना वहाँ पे जा और रुक। ठीक है, बदले में एक दो लीटर पेट्रोल डालेगा तो चलेगा, डालेगा ना? डालता फुल टाकी खाता दोस्त। ठंडियों के सीजन में बारिश गिर रही है सुशील, ये क्या है मतलब? अजीब ही सीन है ना यहाँ पे। अभी 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 जब मैं एमपी में था तब इस समय थोड़ी ठंडी हुआ करती थी और रात में तो 10 डिग्री की बारिश सब एक साथ लगता है, मेरा फिर से हालत खराब होने वाला है। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो लू है यार। कर रहा सुशील, मैं जरा उधर से सामान लेके आता है, तो किधर मैं आता हूँ। हाँ हाँ दो पाँच वाला दो। अरे 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 ए सुशील, अरे गाड़ी लेके भाग गया ना? का है गाड़ी लेके गए वो? गाड़ी लेके वो मेरे को भी दिख रहा है, तेरा दोस्त था क्या? नहीं तेरा था। अरे क्या पागल है क्या तू सुशील? अरे येड़ा है क्या? चल जल्दी, उनका कोई दोस्त क्या हुआ? दोस्त है क्या तेरा? नहीं बाबा, मेरे को लगा तेरा दोस्त है, गाड़ी लेके गया वो। ये पागल है क्या तू? येड़ा है क्या गाड़ी लेके गया करके? सुशील का ये देखते है क्या वो चला गया है सुशील? अरे चल चल, तेरे को मजाक लग रहा है क्या सुशील? क्या जाएगा वो, दूर तक गया है वो। अभी क्या करने का? अभी क्या करने का मतलब तेरा गलती रहेगा ना, वो लोग भी देख रहे थे उधर। सुशील क्या नाटक कर रहे है यार? अरे मेरे को लगा तेरा दोस्त है। ए नाटक मत कर, तू क्या मेरे साथ प्रैंक ब्रिंग कर रहा है क्या? पागल है क्या मैं तेरे से? चल गाड़ी। अरे तू प्रैंक पागल हो गया क्या तू? तू हंस रहा क्या है इस बात पे? तो चल देखते। देख सुशील नाटक नहीं चाहिए मेरे को। मैं किधर नाटक कर रहा है? सीधा नाटक कर रहा है। चल मेरे को पता नहीं अभी क्या, अभी गाड़ी चाहिए वरना। देख सुशील नाटक मत कर तू। मैं काय को नाटक करेगा? देख अच्छा दोस्त समझे तेरे को मैं, तू दिमाग घुमा मत मेरा। गाड़ी बीड़ी लेके जा रहा है ये, ऐसा मस्ती चलता नहीं है मेरे को। अरे मैं किया ही नहीं कर रहा है नाटक। नहीं कर तू ही नाटक कर रहे थे, गोप्रो चालू है साले। क्या बेटा के प्रैंक कर रहा है मेरे ऊपर कौन? ये था हमारा दोस्त हर्ष। और भारी लग रहा है इसमें एकदम, पहचाना नहीं क्या? मेरा कैमरा चालू था, यही था। पर तू डरा नहीं क्या एक सेकंड के लिए? मेरे को पता था यार तेरे को। अरे यार तो नेक्स्ट टाइम किसी और ठीक भी कहेगा है चलो फिर ठीक है, भाड़े की गाड़ी से उतरो। अभी हर्षु एंड यू, योर इंस्टा सुशील यूर 05 ओके एंड माय एमवी अंडरस्कोर ट्यूब, डू फॉलो मी एंड आल्सो माय गाइस। सो फिर ठीक है, थोड़ी अभी सुशील को बोलता हूँ कि भाई सॉरी आइसक्रीम खिलाते हैं, बहुत तेज हो गया अभी वो, टेंशन आ गया। खिलाना पड़ेगा।